अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वरकू। शेख, मैंने आपकी पिछली स्ट्रीम में निकाह मिसयार की वीडियो देखी थी जो आपने रिकॉर्ड की थी, जी तो जी मुझे थोड़ी सी वजाहत चाहिए उसमें। एक तो कंडीशन आपने ये बताई थी कि अगर निकाह मिसयार सिर्फी तौर पे हो रहा है तो वो जायज़ नहीं होगा, और अगर उसमें ये कंडीशन है कि मियाँ बीवी ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम कोई भी मतलब बच्चे पैदा नहीं करेंगे उससे, तो ये उस सूरत में भी जी जायज़ नहीं होगा। तो शेख, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि जो नॉर्मल शादी करते हैं लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो ये भी सेम ही कैटेगरी में आएगा? हाँ, मतलब देखिए, ये तो चॉइस है ना शेख, मतलब मुझे जैसा ऐसा लगता है कि ये तो चॉइस है मियाँ बीवी की। हाँ आप जी बताइए। तो सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए उमर भाई, सवाल देखिए, वाजे है आपका। आपको जी असल में आपके जो आपने आखिरी जुमला बोला उससे समझ में आ गया कि गलतफहमी आपको कहाँ पे हो रही है और किसकी जी किस वजह से ये सवाल आपके जहन में आया जी है। आपने कहा कि ये मियाँ बीवी की चॉइस है। कल को कोई मर्द और औरत आए और कहें कि हम बगैर निकाह के एक साथ में रहेंगे, ये हमारी चॉइस है। कल को कोई कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, नमाज पढ़े बगैर मुसलमान रहूंगा, ये मेरी चॉइस है। तो भाई, इस्लाम के अंदर चॉइस नहीं है। इस्लाम का मतलब जी जानते हैं क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है इस्तिस्लाम, सरेंडर। जी अल्लाह ने जो कह दिया उसके सामने सरेंडर करना, इसी का नाम इस्लाम है। वरना तो हर आदमी दुनिया के हर निजाम के बारे में कह सकता है मेरी चॉइस है। भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या आपको चॉइस है कि आप जैसे चाहो वैसे रहो? नहीं, जी नहीं आपको हिंदुस्तान में रहना है तो यहां का जो कानून है उस पर अमल करना होगा। आपको मुसलमान रहना है तो इस्लाम का जो कानून है उस पर अमल करना होगा। चॉइस कहाँ है? तो जी इस्लाम में निकाह का मकसद ये है, निकाह के जो कई मकासिद हैं उनमें से एक मकसद ये है कि नस्ले इंसानी को आगे बढ़ाना है। ये आपकी चॉइस नहीं है। नस्ले इंसानी को बढ़ाना निकाह के मकासिद में से है। अगर आपको कोई परेशानी है, उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए आप तवक्कुफ कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तब तो इसकी इजाजत देती है शरीयत। लेकिन मुकम्मल तौर से ये कह करके कि मेरी चॉइस है, तो भाई निकाह के बारे में भी तो कल को आप कह सकते हो कि मेरी चॉइस है मैं बगैर निकाह के जो है रहूंगा, मेरी चॉइस है मैं 5 औरतों से एक बैग शादी करूंगा, तो उसका कोई क्या जवाब देगा? तो चॉइस नहीं है, जी शरीयत के अहकाम में चॉइस नहीं है। जो शरीयत ने कहा है उसे करना है। जी और उमर भाई दरअसल चॉइस चॉइस कहीं नहीं है दुनिया में, ये एक मुगालता है। जी चॉइस दुनिया में कहीं नहीं है कि आप चॉइस का मतलब ये, जब आपके पास दो ऑप्शन रखे जाएं और कहा जाए भाई दोनों में से एक को अख्तियार कर लीजिए, तब चॉइस होता है। जब कहा जी जाए कि ये कानून है, ये रूल है, ये निजाम है, नियम है, इस पर अमल करना है, उस वक्त चॉइस नहीं होता है आपके पास, उस पर करना है आपको अमल। जी हाँ जी जी उमर शेख, भाई बात समझ आई। तो जैसे इसी में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी मियाँ बीवी, जैसे आजकल चला हुआ है कि मुसलमानों के भी जहन में ये बात है कि मतलब वो दो बच्चे ही करते हैं, और जबकि उनमें ताकत होती है, उनमें इनकम, मतलब मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ कि जिसके पास इनकम है कि वो ज्यादा बच्चों को पाल सके, और उसकी वाइफ जो है वो केपेबल है, मतलब हेल्थ कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर भी अगर वो ठीक है। चाहते हैं कि हम हमारे जैसे दो बच्चे हैं और हम आगे नहीं करना चाहते, तो ये गुनाहगार है फिर? बिल्कुल गुनहगार हैं, बल्कि ये मसला इतना खतरनाक है, मैं आपको बताऊं। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर यह बात कहा है कि हमने जिन इंसानों को पैदा किया है उनके रोजी की जिम्मेदारी हमारी है, रोजी हम देते हैं। अल्लाह ताला कहता है रोजी हम देते हैं, रोजी तुम नहीं देते हो। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि मैं गरीब हूं, बच्चा आएगा तो हम खिलाएंगे क्या उसको? क्या भाई, तुम्हारी जो अपनी रोजी है, जो तुम खाते हो, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दे रहा है, तो रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर कोई आदमी इस हुक्म का इनकार कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि अपने बच्चे को मुझे ही खिलाना है, जी अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो ये अकीदा कुफ्र है। आप बेशक अल्लाह ताला ने आपको सबब बनाया है, जैसे दुनिया में तमाम कामों के असबाब होते हैं, दुनियावी चीजों में भी, दुनियावी निजाम में भी हम ये चीज देखते हैं कि बगैर जी सबब के कोई काम नहीं होता है, हर काम एक सबब बिल्कुल के जरिए से होता है। तो अल्लाह ताला ने आपको सबब बनाया है अपने बच्चे के खिलाने पिलाने के लिए,
लेकिन सबब फी नफ्सिही फी ज़ातिही मुअस्सिर नहीं होता है, उस सबब को मुअस्सिर बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो कोई ये अकीदा रखता है कि मैं रोजी देने वाला हूं तो ये तो अकीदे कुफ्र है। जी जी उमर भाई, जैसे मैंने सिर्री के ताल्लुक से पूछना था, तो जैसे सिर्री से आपकी मुराद क्या है? जैसे अगर इतना पता हो कि घर लड़के वाले और लड़की वाले की फैमिली को पता है कि शादी हो रही है, कुछ चंद रिश्तेदार, तो सिर्री से आपका मतलब, देखिए सिर्री मतलब सिर माने राज होता है, और इसको बताने की जरूरत नहीं है कि राज किसको कहते हैं और अलल ऐलान किसको कहते हैं। अगर जैसे राज जो चीज होती है आदमी उसको छुपाता है कि भाई दो चार दोस्त अहबाब जाने, बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए जी। और छुपाया उसी चीज को जाता है जो चोरी किया जाता है जिसमें। जब आप निकाह कर रहे हो लीगली तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती है कि भाई चार जो हमारे दोस्त हैं सिर्फ उन्हीं को पता चले, या हमारे जो ससुराल वाले हैं सिर्फ उन्हीं को पता होना चाहिए, मोहल्ले वालों को पता ना चले। अगर आपके दिमाग में ये आया कि लोगों को पता ना चले तब ये निकाह सिर है भाई। हो सकता है दो चार लोगों के जानने से भी ऐलान हो जाए, लेकिन जब आप कोशिश कर रहे हो कि भाई इन दो चार के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी शादी हुई है, भाई आपके नियत में क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? निकाह कोई गलत काम तो है नहीं। नहीं शेख, जैसे असल में दूसरे कोई दूसरा निकाह कर लेता है तो अब वो घर लड़की के घर वालों को बताया है उसने, लेकिन अपने ससुराल वालों को नहीं बताया है, पहली बीवी के घर वालों को, अपने घर वालों को उसने नहीं बताया है, उनसे छुपा करके रखा हुआ। देखिए अब वो कोशिश करता है कि कम से कम लोग जाने। अब बिल्कुल देखिए, अगर पार्टिकुलर कुछ खास लोगों को मुझे नहीं बताना है किसी वजह से जी, तब तो ये राज नहीं है। राज तो वो होता है जो सबसे छुपाया जाए। अगर कुछ खास फला आदमी को ना पता चले वरना वो मुश्किल खड़ा कर देगा, तो इसको निकाह सिर कहेंगे, तो इसको जो है निकाह सिर नहीं कहेंगे। निकाह सिर वो है जो छुपाया जाए, तो उसको छुपाना नहीं है लोगों को पता। और देखिए इस पर जब हम गुफ्तगू हमने किया था, हमने इसकी हिकमत भी बताई थी। आपने किसी लड़की से शादी कर लिया, सिर्फ चंद दोस्त अहबाब को आपके पता है, बाकी पूरे मुआशरे से आपने छुपाया हुआ है। कल को अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए आपके साथ या आपकी बीवी के साथ, और वो जो दो चार लोग थे फर्ज कीजिए उनके साथ भी कुछ हो जाए, या कल को डर के मारे सामने आकर के बोलने के लिए तैयार ना हो, कोई आप कैसे साबित करोगे कि मेरी शादी हुई है, मेरा निकाह हुआ है? हो सकता है आपका बच्चा हो, वो उसका नसब भी जाया हो जाएगा, उसकी विरासत का मसला आएगा। तो निकाह छुपाने वाली चीज नहीं है, निकाह ऐलान करने वाली चीज है। तो जिस निकाह में छुपाने की मकसद हो, छुपाने इसका मतलब सबसे छुपाना है, अगर चंद खास लोगों से, हाँ चंद खास लोगों से आप इसलिए छुपा रहे हैं कि कोई फितना खड़ा होने का डर है, तब ये सिर नहीं है भाई, उस तो आप फितने से बचने के लिए छुपा रहे हैं। जी जी जी, जज़ाकअल्लाह खैर।